इन दिस लेक्चर वी कैन डिस्कस द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स को कैसे मेजर कहते हैं, एंगल्स को मेजर करने का सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है मेजरमेंट ऑफ ए एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम वी कैन थ्री टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए एंगल्स। हम थ्री टाइप्स को एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। तो पहला क्या है आपका, पहला आपका है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसको आप ब्रिटिश सिस्टम, सॉरी इसको आप इंग्लिश सिस्टम भी बोल सकते हैं, इसको आप इंग्लिश सिस्टम्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ठीक से। अच्छा, ये क्या था, कैसे आया? तो देखिए कि एक्चुअल में मेजरमेंट सिस्टम पुराने समय में अलग अलग कंट्रियों को अलग अलग वे में होते थे। तो क्या हुआ कि इंग्लिश सिस्टम ने अपना एक नया सिस्टम अपना जो है कि फॉलो किया। उस सिस्टम का नाम था, क्या था, सेक्साजेसिमल सिस्टम्स। एक किसका सिस्टम था, इंग्लिश सिस्टम था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा। तो सबसे पहले इसके जानते हैं कि जो इस सिस्टम का यूनिट था एंगल मेजर करने का, तो उस यूनिट का नाम क्या है, डिग्री। डिग्री का जो सिंबल होता है वो एज लाइक दैट टाइप होता है। मतलब कि कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको। समझिए, ये आपका क्या है, सर्कल है, बिल्कुल। अब आपको पता है कि एक सर्कल जो होता है, जो सर्कल्स होता है वो जो कंप्लीट रोटेशन बनाता है, तो मतलब वन रोटेशन में कितने का एंगल बनाएगा, 360 का, बिल्कुल पता है। जब वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 बनाएगा, जब इस सर्कल को हम लोग डिवाइड करते हैं इन क्वाड्रेंट फॉर्म, तो अपने को पता है कि दिस इज अ क्वाड्रेंट एंड दिस इज आल्सो एंड दिस इज आल्सो, दिस इज अ हाफ पार्ट ऑफ सर्कल, दिस इज अ 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल, दिस इज अ 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल, दिस इज 1/4 ऑफ ए पार्ट ऑफ सर्कल, दिस इज 1/4 ऑफ। अब अपने को पता है कि 1/4 जो पार्ट है वो कितने का एंगल बनाएगा, 90 का, बिल्कुल। इसका मतलब हो गया कि 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360, तो 1/4 पार्ट ऑफ ए 1 रोटेशन का कितना हो जाएगा, तो 1/4 × 360 डिग्री। तो 360 मतलब इसको कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब कितना बनाया, राइट एंगल। तो यहां से आप देख सकते हैं कि वन राइट एंगल्स, राइट एंगल इज इक्वल टू कितना बनाएगा, 90 डिग्री, बिल्कुल। और एंगल्स का स्मॉल यूनिट आपका, स्मॉल यूनिट ऑफ एंगल्स, पहला क्या होता है आपका, मिनट, एंड सेकेंड इज सेकेंड। अब देखो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, अपने को पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट का, दिस इज सिंबल ऑफ मिनट। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये कैसे होता है, इसको कैसे कंक्लूड किया गया है, जैसे आप समझिए, दिस इज अ क्लॉक, और इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। दिस इज अ एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एंड दिस इज आल्सो, वी कैन मेजर इट, दिस इज अ 90 एंगल्स एंड दिस इज आल्सो 90 एंड दिस इज ए 90 एंड दिस इज ए 90। अब इसमें क्या होता है कि वी हैव द टू टाइप ऑफ हैंड, मिनट हैंड एंड द हावर हैंड्स। तो मैं मिनट आवर का डिग्री के साथ रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ, कम्प्लीटली मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ध्यान सुनिएगा कि जब कोई क्लॉक होता है उसका मिनट हैंड, मिनट हैंड मतलब 1 आवर में एक रेवोल्यूशन करता है, 1 आवर, 1 आवर इट मीन्स दैट 60 मिनट, 60 मिनट वन रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन इक्वल 360 डिग्री। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 360 by 60 एंड दिस इज अ डिवाइडेड 6 डिग्री। इट मीन्स दैट कि 1 मिनट
इज इक्वल टू 6 डिग्री। जो मिनट वाली हैंड होगी 1 मिनट में कितने का डिग्री बनाएगी, कितने डिग्री के एंगल बनाएगी, 6 डिग्री का। अब हावर वाली देखिएगा, हावर वाली देखिएगा, हमको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि जब हावर वाली हैंड्स यहाँ से चल करके यहाँ पर फिर से आएगा तो 12 हावर में क्या करेगा, कवर करेगा। इसका मतलब 12 हावर में कवर करता है, 12 हावर में कवर करेगा तो कितना रेवोल्यूशन करेगा, 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो 1 हावर इज इक्वल टू 12 से डिवाइड कर देंगे, 360 डिवाइडेड बाई 12, 12 3 36 30। तो मतलब 1 हावर इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस इज़ अ रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड द मिनट हैंड, दिस इज मिनट हैंड एंड दिस इज अ हावर हैंड। तो ये आपका था सेक्सा डेसिमल सिस्टम, जो इंग्लिश सिस्टम के नाम जाना था। इसकी यूनिट की क्या होती है, डिग्री होती है। तो डिग्री कैसे निकल गया, वन रोटेशन में या 1 रेवोल्यूशन में कितना होता है, 360 बनाएगा। क्लियर हो गया। अब 1/4 पार्ट ऑफ है 360 मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो राइट एंगल इसको लो कितना, 90 डिग्री बनाएगा। 1/4 पार्ट ऑफ है 360, 90 हो गया। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्मॉल बिटवीन ऑफ एंगल क्या होता है, मैंने बताया कि मिनट होता है, दूसरा क्या होता है, सेकेंड होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। और मैंने यहाँ पे रिलेशन आपको बता दिया। एंड द सेकेंड पार्ट इज सेंटीडेसिमल सिस्टम। इसको मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, फ्रेंच, इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। अब एक्चुअल में मैंने पहले भी बता रखा है कि अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम आते थे, तो फ्रेंच वालों ने क्या किया कि अपना सेंटीडेसिमल सिस्टम आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ग्रेड भी बोलते हैं। ग्रेड इसका क्या है, यूनिट है। मतलब इस एंगल को हम लोग मेज़र किस में करेंगे, ग्रेड में करेंगे। तो इसको समझिएगा कि जब कोई सर्कुलर पाथ होता है, जब कोई सर्कुलर पाथ हो, उस सर्कुलर पाथ पे वन रोटेशन होता है, तो 400 ग्रेड का एंगल बनता है। कितने का, 4। तो वन रोटेशन इज इक्वल टू 400 ग्रेड। दिस इज अ सिंबल ऑफ अ ग्रेड। इट मीन्स दैट कि 400 1 रोटेशन इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हो गया कि अब हम इसका फोर्थ पार्ट करें। जैसे मैंने बोला कि इसका फोर्थ पार्ट, 1/4 पार्ट ए हो गया आपका, 1/4 पार्ट ए हो गया, 1/4 पार्ट ए आपका हो गया, एंड 1/4 पार्ट ए हो गया। अब 1/4 आप 400 का कर रहे हो, तो मतलब वन रोटेशन बाई 4 इज इक्वल टू कितना, 400 पॉन में आल्सो 4 ग्रेड के कैंसिल हो, कितना आएगा, 100 ग्रेड। तो एक वन रोटेशन का जब फोर्थ पार्ट करोगे कितना आएगा, बस इतना ही आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते थे, राइट एंगल। इसका मतलब हो जाएगा कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड के। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसका भी होता है मिनट और सेकेंड, स्मॉलर जो इसका स्मॉलर यूनिट है। तो यहाँ पर देखो कि वन ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट के, एंड द 1 मिनट इज इक्वल टू, इसका जो ग्रेडिंग सिस्टम में आप मेजर करते हो, 100 सेकेंड के हो जाएगा। एंड द थर्ड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द सर्कुलर सिस्टम। इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। ये कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दिस इज सर्कुलर सिस्टम, इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। अब ये बनता कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए। जब कोई सर्कुलर पाथ हो, इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से आपने एक रेडियस ड्रॉ किया, एक और रेडियस आपने ड्रॉ किया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। अच्छा, ये आपका ओ पॉइंट मैं सपोज कर लेता हूँ, और ये मैं मानता हूँ ए है, ये क्या हो, बी सपोज कर लेता हूँ,
और इसको मैं क्या बोलूँ, एंगल बोल दूँ, क्योंकि यहाँ पे एंगल बनना है तो थीटा में बोल सकता हूँ। अच्छा, ये रेडियस है तैयार होगा, ये भी रेडियस तैयार होगा, क्योंकि भाई किसी भी सर्कल का रेडियस आपस में क्या होता है, इक्वल होगा। और ये इसका क्या होगा, आर्क होगा। मैं इसको यल बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, यल। 1 रेडियन का एंगल तभी बनता है मेरे प्यारे बच्चों जब उसका रेडियस जो है उसके आर्क के इक्वल हो जाएगा। तो कितना एंगल बनेगा, 1 रेडियन का एंगल बनेगा। तो मैं क्या लिखूं, इफ रेडियस इक्वल टू द आर्क, मैं क्या लिख दूं, इफ रेडियस इक्वल टू आर्क, मतलब रेडियस कितना है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू कितना, ए बी। तो यहां पर जो थीटा इज इक्वल टू होगा 1 रेडियन का होगा। दिस इज अ सिंबल ऑफ रेडियन, डिजिट सी, दिस इज सिंबल ऑफ रेडियन। ओके, कंफर्म हो गया। यहां पर एक कंसेप्ट और निकल के आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका। आप कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड आर्क, रेडियस एंड आर्क, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, वेयर थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल्स एंड एल इज द आर्क एंड दिस इज स्मॉल आर इज द रेडियस। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज द रिलेशन बिटवीन द थ्री सिस्टम्स, रिलेशन बिटवीन थ्री सिस्टम, जिस सिस्टम को आपने पढ़ रखा है उनके बीच का रिलेशन आपको डिफाइन करना होगा। तो कैसे आप डिफाइन करोगे कि उनके बीच का रिलेशन क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि रिलेशन बिटवीन थ्री सिस्टम, तो रिलेशन बिटवीन थ्री सिस्टम ग्रेड अप, ये आपका हो जाएगा डिग्री अपॉन में 90 इज इक्वल टू ग्रेड अपॉन में 100 इज इक्वल टू रेडियन अपॉन में पाई बाई टू। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द थ्री सिस्टम।